आज हम पोस्ट प्रोसेसिंग के बेसिक स्टेप्स देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी फोटोग्राफ को पोस्ट प्रोसेस करते हैं। मैं पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए फोटोशॉप क्रिएटिव क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ, तो अब आगे देखते हैं कि हम कैसे किसी फ़ोटो को पोस्ट प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं तो आप फाइल में जाएंगे, ओपन क्लिक करेंगे और आप अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे। वंस आपकी फाइल ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि आपकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेंटर में पड़ी हुई हैं। यहाँ आपकी हर जगह 00 वैल्यू है और ये आपकी कैमरा की रॉ सेटिंग्स हैं। ये जो व्यू खुला है ये आपका कैमरा रॉ व्यू खुला है, और इस व्यू में हम बेसिक पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई भी फोटोग्राफ खोलनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करनी है। आपको उसका कलर स्पेस जो है वो एडोब RGB 1998 करके रखना है, उसे 16 बिट में कर लें, और उसका मैक्सिमम आप रेजोल्यूशन जो है अपना 300 पिक्सल पर इंच रखें। तो इससे क्या होगा, जो आपकी फ़ोटो है वो हाई रेजोल्यूशन में खुलेगी, और हाई रेजोल्यूशन में खुलने के बाद आप उसको बेटर पोस्ट प्रोसेस कर सकते हैं। सो मैं इस समय यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ। हम आगे देखेंगे कि अगर आपका डिफ़ॉल्ट रॉ इमेज नहीं खुलता है तो उसे किस तरीके से खोलना है। सो मैं यहाँ सिंपली इस इमेज को ओपन करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपकी इमेज खुल गई है। तो ये मेरी बेसिक इमेज है, इस इमेज को मुझे अभी पोस्ट प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले ये मेरी बैकग्राउंड लेयर है, तो मुझे एक डिफरेंट लेयर क्रिएट करनी है। डिफरेंट लेयर क्रिएट करने के लिए मैं कमांड जे या फिर कंट्रोल जे दबा के उसको डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरी एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो गई है। अब हम इस डुप्लीकेट लेयर पे सबसे पहले जो हमने पहले देखा कि कैमरा की रॉ सेटिंग्स होती हैं जिन्हें हम एडिट कर सकते हैं, वो कैसे दोबारा से आएंगी और वो किस तरीके से हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप फिल्टर में जाएंगे और यहाँ जाके कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक करेंगे। कैमरा रॉ फिल्टर में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि सेम सेटिंग्स जो आपने पहले देखी थी वो अब आपके पास दोबारा आ गई हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके ये वाले पार्ट्स जो हैं जो रेड शो हो रहे हैं, ये बेसिकली आपको दिखा रहे हैं कि ये आपका फोटोग्राफ थोड़ा सा ओवर एक्सपोज है, इसको हमें ठीक करना होगा, और बाकी हमें अंडर विंग्स और बैकग्राउंड वो सारी डिटेल्स को चेक करना होगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मेरा एक्सपोजर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको माइनर ट्वीक करता हूँ। एक्सपोजर ठीक किया मैंने, मेरा कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ। और अब आप देख रहे हैं ये जो मेरा ओवर एक्सपोज पार्ट है, इसके लिए मैं अपने हाइलाइट्स को कम करता हूँ। तो अब आप देखेंगे ये जो ओवर एक्सपोज पार्ट था वो अब ओवर एक्सपोज नहीं दिखा रहा है, वो डिटेल्स रिकवर हो चुकी हैं। और मैं इसके यहाँ पर शेडो करेक्शन कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि अगर मैं शेडो को एक्सट्रीम लेफ़्ट ले जाता हूँ तो वो डार्कर साइड पर चला जाता है। आप देखेंगे कि आपकी शेडोज़ किस तरीके से दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, और अगर आप इसको एक्सट्रीम राइट ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी शेडोज किस तरीके से आ रही हैं। सो मैं इसमें माइनर शेडो करेक्शन करूंगा, और उसके बाद हाँ आपको दिखाने के लिए मैं एक बार हाइलाइट्स भी दिखा देता हूँ कि अगर आप इसे एक्सट्रीम लेफ्ट जाते हैं तो हाइलाइट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, और एक्सट्रीम राइट लेके जाते हैं तो आपके हाइलाइट्स बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं करने हैं, बिकॉज आपको जो फोटोग्राफ क्लिक करना है वो फील्ड से उसी तरीके का क्लिक करके लाएँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उसे आपको घर आके अगर आप उसकी सारी सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं तो वो बेसिकली आपका पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं होगा, वो आपका डिजिटल आर्ट हो जाएगा। तो हम इसके वाइट्स के साथ प्ले कर सकते हैं। आप देखेंगे वाइट्स आप बिल्कुल कम कर सकते हैं, वाइट्स बढ़ा सकते हैं। वाइट्स बढ़ाया तो आप देखिए आपका पूरा इमेज वापस ओवर एक्सपोज हो गया। तो मैं वाइट्स को नहीं छेड़ रहा हूँ यहाँ पर। और आप ब्लैक्स का देखेंगे कि ब्लैक्स का क्या इम्पैक्ट आता है। तो ब्लैक अगर आप लेफ़्ट ले जाते हैं तो आपकी इमेज में डार्क्स बढ़ जाएंगे, और इसे राइट ले जाते हैं तो आपके ब्लैक्स इमेज से ख़त्म हो जाएंगे। सो मैं ब्लैक्स पे भी ज़्यादा ट्वीकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने माइनर चेंजेस ब्लैक्स में किए हैं। और नेक्स्ट आते हैं हम कलर चेंजेस पे, तो मैं उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं करूँगा, थोड़ा सा क्लैरिटी चेंज करूँगा। सो क्लैरिटी क्या होता है कि आपके डिफरेंट कलर्स को वो ज़्यादा अच्छे से दिखाना शुरू करता है। अगर आप इसको ट्वीक करेंगे, आप एक्सट्रीम राइट ले जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हर डिफरेंट कलर अलग से उठ के आ रहा है। बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ज़्यादा ट्वीक करें, माइनर रखें, बिकॉज बेसिक
फंडामेंटल है कि आप फील्ड से जितना अच्छा फोटोग्राफ क्लिक करके लाएंगे वो आपके लिए उतना अच्छा होगा। और मैं थोड़ा सा इसका वाइब्रेंस चेंज करता हूँ, और सैचुरेशन, मेरी इमेज में सैचुरेशन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहें तो आप सैचुरेशन को ट्वीक कर सकते हैं। ये सैचुरेशन खत्म हो गया और यहाँ पे आपका सैचुरेशन बढ़ गया। सो ये हमने हमारे माइनर चेंजेस किए। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर अपना वाइट बैलेंस चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से वाइट बैलेंस भी चेंज कर सकते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट आपको ब्लूज़ की तरफ लेके जाएगा और राइट आपको ऑरेंजेस की तरफ लेके जाएगा। सो मुझे यहाँ पे वाइट बैलेंस नहीं चेंज करना है, मैंने फील्ड में ही इसे उस तरीके से क्लिक किया है। तो अब हमारा बेसिक रॉ पे जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब आप देखेंगे कि ये मैंने इमेज, मेरी ओरिजिनल इमेज थी और ये मेरे चेंजेस हैं, ये ओरिजिनल इमेज थी, ये मेरे चेंजेस हैं। अब इसके बाद मुझे इस पे एक और चेंजेस करने हैं। बेसिकली जो मैं चाहता हूँ वो मेरे हैं कि मैं लेवल्स के चेंजेस करूँगा। तो लेवल्स के चेंजेस के लिए मैंने एक लेयर क्रिएट की है, और इस लेयर के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से डिफरेंट लेयर्स क्रिएट होती हैं, मेरे पहले के वीडियोज़ में ये एक्सप्लेन्ड है। और लेवल्स के चेंजेस के लिए हमें हिस्टोग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाते हैं, हम सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं कि जो आपका सेंटर है इसमें मिड टर्न्स होंगी, आपके लेफ्ट साइड पे आपके डार्क कलर होंगे और आपके राइट साइड पे आपके वाइट कलर होंगे। और कोई भी हिस्टोग्राम अच्छा या बुरा हिस्टोग्राम नहीं होता, आपकी इमेज किस तरीके की है उसके हिसाब से आपका हिस्टोग्राम होता है। इस पर हम डिटेल में देखेंगे बाद में किसी वीडियो में, फिलहाल हम इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग पे देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक मेरे पास कोई भी ब्लैक की डिटेल नहीं है इमेज की, तो मैं इसको स्लाइडर को यहाँ मूव करता हूँ। उसके बाद मेरी वाइट की डिटेल्स भी उस तरफ कम है, थोड़ा सा इसे इस तरफ मूव करता हूँ। हाँ, आप अगर टेस्ट के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसे राइट जितना मूव करेंगे ये आपकी इमेज उतनी डार्क हो जाएगी। सो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। सो अब हम डिफरेंस देख सकते हैं। ये हमारी टॉप की लेयर है जिसमें हमने लेवल के चेंजेस किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो ओरिजिनल इमेज थी वो ये है, और इसको चेंज करने के बाद ये आया, ओरिजिनल ये था और चेंज करने के बाद ये हुआ। सो इस तरीके से आपके पोस्ट प्रोसेसिंग के ये बेसिक स्टेप्स हैं। आपको ज़्यादा कोई चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं आपकी इमेज की सारी डिटेल्स आपके सामने उठ के आई हैं। बर्ड की आई क्लियर है, उसके फैदर फुली एक्सपोज्ड हैं, बेटर तरीके से एक्सपोज्ड हैं। हमें इसमें और कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे शार्पनेस चेंज करना है तो मैं फिल्टर में जाऊँगा, शार्पन करूँगा, और स्मार्ट शार्पन में जाके मैं इसमें शार्पनेस के चेंजेस कर सकता हूँ। सो मैं शार्पनेस को 100% पे रखता हूँ। शार्पनेस पे हम डिटेल में किसी डिफरेंट ट्यूटोरियल पे कवर करेंगे किस तरीके से होता है, बट बेसिकली ये स्टेप्स हैं आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से आपको अपनी फोटोग्राफ को पोस्ट प्रोसेस करना है। सो आपकी फोटोग्राफ में शार्पनिंग हो गया। अब फाइनली इसको सेव करने से पहले हमने जो भी चेंजेस किए हैं अभी वो 16-bit इमेज में किए हैं। इसको हम इमेज में जाके मोड में 8-bit में कन्वर्ट कर देंगे। 8-bit कन्वर्ट करने के बाद अगर आपको इमेज का साइज़ करना है तो आप इमेज में जाके इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप इमेज का साइज़ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ पे रखना है। से आपको 2000 विड्थ रखना है अपनी इमेज का, तो ये आपका इमेज का साइज़ आ गया। मुझे यहाँ पे इमेज का साइज़ नहीं चेंज करना है, तो जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इमेज साइज़ हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो इमेज साइज़ हो गया। इमेज साइज़ करने के बाद हम इसका प्रोफाइल चेंज करेंगे। हम इसको वापस sRGB में, बाय डिफ़ॉल्ट sRGB में रखा हुआ है तो मैं sRGB सेलेक्ट करूँगा, और sRGB में रखने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। sRGB हम इसलिए रखते हैं बिकॉज इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए हमें ये बेटर कलर रेंडरिंग शो होता है। अब हम फाइल को सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, और आपके उस फोल्डर में इसको JPEG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट हैं, आपका फोटोशॉप फॉर्मेट हो सकता है जो कि PSD है, या फिर आप इसे JPEG में रख सकते हैं। सो हम इसे JPEG मोड में सेव करेंगे।
जब आप इसे JPEG मोड में सेव करते हैं तो ये आपको यहाँ पर उसका साइज़ बता देता है। ये साइज़ आपको तभी बताएगा अगर आपकी फ़ाइल 8 बिट में है, 16 बिट में आपको ये साइज़ नहीं शो करेगा। तो मैं इसे ओके करता हूँ और ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो ये कुछ एक बेसिक स्टेप्स हैं किसी भी फोटोग्राफ को पोस्ट प्रोसेस करने के लिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा कोई ट्वीकिंग, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बिकॉज वो फिर आपका पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं होगा, वो आपका डिजिटल आर्ट हो जाएगा, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे काफ़ी लर्निंग्स मिली होंगी। अगर आपको लर्निंग्स मिली हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वो लोग जिन्होंने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियो तक पहुँचें इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।